नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं द इनर ट्रिबर चैनल। हम लोग इस वीडियो में चार ऐसे ऑप्शंस के बारे में बात करने वाले हैं जो सभी इन्वेस्टर्स ये कंसिडर करते हैं अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। साथ ही अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की भी बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र भी इन चारों ऑप्शंस को आपको रिकमेंड करते हैं कि अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहते हैं, चाहे पेंशन के लिए या फिर एक यूज अमाउंट के लिए अपने रिटायरमेंट पे, तो इन ऑप्शंस में आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए जिसमें आप लोगों को फिक्स एंड गारंटीड रिटर्न मिलता है। साथ ही अगर आप लोग जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे उतना ही अच्छा रिटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेंगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो मेरा फेवरेट इन्वेस्टमेंट है, खास करके जो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए देखा जाए, तो VPF यानी कि वॉलेंटरी प्रोविडेंट फंड। वॉलेंटरी प्रोविडेंट फंड दोस्तों ये प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपके पास EPF खाता है तभी आप लोग इसको ले सकते हैं, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर वालों के लिए नहीं है ये, केवल ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम कर रहे हैं, जहाँ पे 20 लोग से ज़्यादा काम कर रहे हैं, 20 लोग से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं, तो वो कंपनी क्या होती है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर की कंपनी हो जाती है। साथ ही वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए EPF खाता खोलती है। तो अगर आपके पास EPF खाता है तो आप लोग अपने एम्प्लॉयर को उससे एक फॉर्म भर के कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए ये रिकमेंड कर सकते हैं कि आप VPF खाता खोलना चाहते हैं। इसमें आप लोग अपनी बेसिक सैलरी और DK का मिला करके 100% तक का कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि EPF में अगर आप लोग कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं तो आपके केवल सैलरी का 12% ही जाता है। तो आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है VPF में क्योंकि VPF में आपको EPF की तरह ही इंटरेस्ट रेट मिलते हैं। बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चाहे आप लोग कोई भी ऑप्शन देख लें, इससे बेहतर रिटर्न आप लोगों को निकाल करके नहीं देते हैं जिस तरह से EPF निकाल करके देता है, जो कि 8.5% तक का है और बिल्कुल सेफ और गारंटीड है। इसमें अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किसी भी तरह की टैक्स लायबिलिटी नहीं होती है, आप लोग किसी भी तरह के टैक्सेस नहीं देने होते हैं। प्लस यहाँ पे एक 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है। अगर आप लोग इससे पहले पैसा अपना निकालते हैं VPF से तो आप लोगों को टैक्सेस देने पड़ेंगे, लेकिन इसके बाद अगर आप लोग पैसा निकालते हैं तो टैक्सेस नहीं देने पड़ेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं इस पर एक मैं डिटेल वीडियो बनाऊँ वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड पे, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। अगर ज़्यादा डिमांड आती है तो मैं एक एक इसकी डिटेल वीडियो बना दूंगा। बाकी चैनल पे भी इसकी डिटेल उपलब्ध है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है जो कि प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो सभी इसमें आ सकते हैं, वो है नेशनल पेंशन स्कीम। इसको लेकर के कई सारी चीज़ें चल रही हैं दोस्तों। अगर हम बात करते हैं तो OPS और NPS में लेकर के हमेशा से भगदड़ मची रहती है कि NPS को हटाओ, OPS को लेकर के आओ। तो मुझे भी दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो OPS वॉज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। लेकिन NPS में क्या है कि इसमें थोड़ा सा इक्विटी लिंक्ड है, लेकिन इसमें भी आप लोग अपना इन्वेस्टमेंट अपने से डिसाइड कर सकते हैं कि आपका इक्विटी में कितना एक्सपोजर होगा और फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट में कितना एक्सपोजर होगा। इसमें कोई भी अकाउंट खोल सकता है अगर वो इंडियन है। अगर आप 18 से 65 के बीच हैं तो NPS में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं किसी भी एज वर्ग के लोग। वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है ये रिटायरमेंट के लिए। इसमें मिनिमम आप लोग 500 रुपये अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और 1.5 लाख रुपये सालाना, यानी कि एक साल में मिनिमम 500 करना होगा और 1.5 लाख रुपये। और अगर आप लोग नहीं कर पाते हैं तो मिनिमम एक कॉन्ट्रीब्यूशन कर दीजिएगा। इसमें 7 डिफरेंट फंड मैनेजर होते हैं जिनको आप चूज़ कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए कि आपका पैसा जा रहा है, तो वो फंड मैनेजर आपका डिसाइड करें। मैंने चैनल पे बता रखा है, आप लोग NPS की प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें बताया है कि किस तरह से आप लोग अपने लिए बेस्ट फंड मैनेजर चूज़ कर सकते हैं नेशनल पेंशन सिस्टम में या फिर न्यू पेंशन स्कीम में। अब यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट भी मिलता है क्योंकि इसमें आपका जो भी इन्वेस्टमेंट जाता है वो 40% एन्युटी के लिए जाता है और 60% आप लोग उसको विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो जो विड्रॉ करेंगे उस पर भी आप लोगों को किसी तरह के टैक्सेस नहीं देने पड़ते। कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप लोग नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन दोस्तों, वन ऑफ द माई फेवरेट इन्वेस्टमेंट है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसमें फिक्स्ड और गारंटीड रिटर्न मिलता है। ये वेरिएबल इंटरेस्ट रेट पर काम करता है। वेरिएबल इंटरेस्ट रेट यानी कि गवर्नमेंट एक साल में 4 बार इंटरेस्ट रेट को चेंज कर सकती है। हर तिमाही पे इसके इंटरेस्ट रेट बताए जाते हैं, जैसे कि अभी इसमें 7.1% का इंटरेस्ट रेट आप लोगों को मिल रहा है। वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं तो ये गवर्नमेंट बैक्ड है, पूरी तरीके से गारंटीड इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिलता है। टोटली टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट है, यानी कि जो आप लोगों का पैसा जा रहा है वो और जो यहाँ से रिटर्न गेन करेंगे वो सब टैक्स फ्री होगा। बेस्ट ऑप्शन है लॉन्ग टर्म के लिए।
और अगर आप लोग इसकी डिटेल लेना चाहते हैं तो मैंने आप लोगों को चैनल पे बता रखा है कि किस तरह से आप लोग 1,00,000 रुपये से ज़्यादा की मंथली पेंशन इसके थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। तो आप लोगों को वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए क्योंकि इसमें आप लोगों को 1 साल में 1 बार का विड्रॉल ऑप्शन भी मिलता है। तो वो क्या सारी प्लानिंग है, कैसे क्या करना है, किस तरह से पेंशन के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से आप लोग एक यूज़ अमाउंट क्रिएट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, सभी कुछ मैंने आप लोगों को पब्लिक प्रोविडेंट फंड की प्लेलिस्ट में बता दिया है। आप लोग जा करके उसको जरूर देखिए। चौथा और आखिरी ऑप्शन मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा, वो है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड सुनकर के कई लोग थोड़ा सा परेशान होंगे कि भैया ये म्यूचुअल फंड कहाँ से ले आए, इसमें कहाँ से फिक्स और गारंटीड रिटर्न मिलता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, अगर आप लोग प्रेजेंट सिचुएशन को देख करके म्यूचुअल फंड या फिर इक्विटी मार्केट को जज कर रहे हैं तो सरासर ये आपके इन्वेस्टमेंट के लिए नाइंसाफी होगी, या फिर कह लीजिए कि आप बहुत कम आंक रहे हैं म्यूचुअल फंड या फिर इक्विटी मार्केट को। अगर आप किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को देखते हैं तो वो इक्विटी पे ही डिपेंड करती है। कंपनीज अगर अच्छा परफॉर्मेंस करेंगी तो आप लोगों की अर्थव्यवस्था भी अच्छी परफॉर्मेंस करेगी। तो अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में या फिर इक्विटी में पैसा लगा रहे हैं तो आप लोग देश की अर्थव्यवस्था में पैसा लगा रहे हैं। तो अगर आप लोग प्रेजेंट की सिचुएशन भी देख लें तो जिन्होंने भी 10 से 12 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया है, 8 से 10 साल पहले भी इन्वेस्टमेंट किया है, उनको इतनी बुरी स्थिति में भी म्यूचुअल फंड में नेगेटिव रिटर्न देखने को नहीं मिला है। तो मेरे ख्याल से आप चीज़ों को समझ रहे हैं कि अगर आप लॉन्ग टर्म के साथ आते हैं म्यूचुअल फंड्स के साथ तो आपको इक्विटी के जो उतार चढ़ाव है, जो वोलेटिलिटी है, उसका ज़्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। इवन आप लोग समझ सकते हैं कि 90-10% का रेशियो हो जाता है। तो लॉन्ग टर्म के साथ हमेशा आएँ, शॉर्ट टर्म के साथ कभी भी अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग ना करें। अगर आप 20 साल के हैं तो आप लोगों के सामने, अगर 60 साल की रिटायरमेंट प्लानिंग है तो आप लोगों के सामने 40 साल का है। इसी तरह से 25, 30 और 40 साल के हैं तो आप लोगों के सामने फिर भी एक लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है। तो अगर आप लोग रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड्स को जरूर शामिल करें। इसमें हर तरीके के इन्वेस्टमेंट मिल जाते हैं। प्योर इक्विटी का भी इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपकी पूरी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होता है, डेब्ट के भी हैं जो कॉरपोरेट एफडीज हो गई, गवर्नमेंट्स के बॉन्ड्स वगैरह हो गए, इस तरह के ऑप्शंस में इन्वेस्टमेंट किया जाता है जहां से आप लोगों को फिक्स्ड और गारंटीड रिटर्न अप्रॉक्स मिल जाता है। बाकी अगर मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स को चूज कर सकते हैं। साथ ही आप लोग इंडेक्स फंड को चूज कर सकते हैं जहां से आप लोगों को एक बढ़िया रिटर्न मिल सकता है लॉन्ग टर्म में, जो कि 12+ हो सकता है। तो आई होप दोस्तों ये चारों ऑप्शन आप लोगों को काफ़ी अच्छे लगे होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर फिर भी कहीं भी कोई क्वेश्चन हो किसी चीज़ में, अगर लगता है कि ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए तो नीचे कमेंट करके अपना फीडबैक दें। कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आ सकेंगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।